बिग बॉस 14 इस शो के इतिहास में पहला ऐसा सीजन है जिसे देखकर दर्शक अपना माथा पीट रहे हैं। बिग बॉस 14 के घर में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है कि हर कोई एक बात जरूर सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही घर में कई चैलेंजेस की एंट्री के समय भी ऐसा ही हुआ था। आम जनता से लेकर तमाम सेलेब्स ने मेकर्स के इस फैसले का विरोध करने के साथ साथ मजाक भी उड़ाया था। अब खबर आई है कि मेकर्स जल्द ही इस शो में एजाज खान को बेघर करने वाले हैं। पुराने कमिटमेंट्स के चलते एजाज खान को न चाहकर भी इस शो को छोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि एजाज खान इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ कर दी कि उन्हें वोट के आधार पर बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा। एजाज खान के साथ साथ इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए सोनाली फोगाट, निक्कू तंबोली और रूबीना दिलैक भी नॉमिनेट हुई थी। वोटिंग फ्रेंड्स के मुताबिक सोनाली फोगाट को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। अगर इस हफ्ते घर से डबल एलिमिनेशन होता है तो हो सकता है कि एजाज खान के साथ साथ सोनाली फोगाट को भी घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सोनाली फोगाट इन दिनों बिग बॉस 14 के घर में खूब हंगामा मचा रही हैं। बीते दिनों ही वो निक्की तंबोली से पंगा लेती हुई नजर आई थी। हाल ही में रूबीना दिलैक के साथ ही उनकी तगड़ी बहस भी हुई थी। सोनाली फोगाट ने लड़ाई के बीचों बीच ही रूबीना दिलैक को गाली यानी कि हरामजादी भी कह दिया था, जिसके बाद सभी बहुत ज्यादा भड़क गए थे। सोनाली फोगाट ने इस शो में आते ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट काफी मुंहफट भी नजर आ रही हैं। सोनाली बिना कुछ सोचे समझे ही किसी को कुछ भी कह देती हैं। कुछ दिन पहले ही सोनाली फोगाट ने अभिनव शुक्ला पर भी निशाना साधा था। सोनाली का कहना है कि अभिनव और रूबीना राखी के पीछे कुत्ते के धूम की तरह लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय और सोनाली फोगाट और एजाज खान के एलिमिनेशन से आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।